अब इसी तरह मैं बात करूंगी सेलिब्रिटीज की. सेलिब्रिटीज भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराते हैं और उनसे अलग अलग किस्म की टिप्स सीख जाते हैं और उनको अवेयरनेस हो जाती है कि उन्होंने अपने फीचर्स को किस तरह एनहांस करना है. अगर उनकी चिन है या उनकी नाक का कोई एक ऐसा इशू है, उसकी कॉन्टोर वो कैसे करेंगे तो उनका चेहरा बैलेंस लगेगा, कौन से नंबर की बेस लगाएंगे तो उनका चेहरा निखरा हुआ लगेगा और एक स्मूथनेस आएगी, किस तरह आंखों का मेकअप करेंगे तो जो आंखों के कुछ लोगों की आंखें एक दूसरे से फर्क होती हैं, कुछ लोगों की आईब्रो एक दूसरे से फर्क होती है, उन सबको बैलेंस करना यही आपको जानना है और यही प्रॉपर नॉलेज है आपके अपने हवाले से. अब अगर मैं आपको मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के नाम लूँ तो उनको पता है कि अपने आपको कैसे कैरी करना है. फॉर एग्जाम्पल महविश हयात, अगर आप महविश हयात को देखें वो इतनी खूबसूरत, इतनी कोई ग्रेसफुल उनकी पर्सनैलिटी लगती है, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी. जैसे जैसे उनको अपने बारे में नॉलेज होती गई, वो और ज्यादा ग्रूम होती गई और ज्यादा प्यारी होती गई. उनकी आईलेट छोटी तो उनके ऊपर जो लाइनर अच्छा लगता है वो लंबा लाइनर, हमेशा खींचा वाला लाइनर होता है उनका जो वो लगाती है. फिर अगर मैं सना जावेद की बात करूं तो उसकी उसके उसका मतलब वो बगैर मेकअप के भी स्क्रीन पे आ जाती है तो वो इतनी हसीन लग रही होती है. जहां उसको गलत मेकअप कर दिया जाए तो वो एक हसीन चेहरा जो है वो अजीब सा लगता है कि क्योंकि उसके चेहरे पर हर कोई मेकअप नहीं कर सकता, तो उसको खुद जानना होगा कि उसके चेहरे पर कौन सा मेकअप सूट करता है, क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी सी आप देखेंगे आईलिड्स थोड़ी सी स्वेल है तो वो हमेशा हाफ आईलाइनर लगाती है ताकि उनकी आंखें खुली खुली लगे. अब अगर मैं माया अली की बात करूं, माया अली की आंखें हैं बहुत बड़ी बड़ी सी माशाल्लाह से, तो उन आंखों को क्योंकि फेस छोटा सा है आंखें बड़ी हैं, उन आंखों को कंट्रोल करने के लिए, शार्पनेस बचाने के लिए अपने चेहरे की, क्योंकि नाक खड़ी आंखें बड़ी बड़ी चेहरा छोटा तो शार्पनेस ना लगे, इसलिए वो हमेशा अपने आई मेकअप को ब्लेंड करती हैं. लाइनर उनका ब्लेंडेड होता है ताकि वो चेहरा कंट्रोल में रहे और एक बैलेंस और सॉफ्ट लुक आए. अब अगर मैं मावरा की बात करती हूँ, मावरा की आँखें बिल्कुल ऐसी ड्रूपी हैं, बादामी, आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप उसमें सही मेकअप ना हो, उनका चेहरा भी बहुत सारे लोग ख़राब कर चुके हैं. वो लाइनर आप देखें यूज़ नहीं करती हैं क्योंकि लाइनर यूज़ करने से उनकी आंखें और ड्रूपी लगती हैं और रह सकता है जैसे रोया रोया चेहरा, तो इसीलिए वो अपनी आंखों को मस्कारे से उठाती हैं. ये आप अगर जायज़ा लें तो आपको पता चल जाएगा. तो ऐसी बहुत सारी और एक्ट्रेसेस हैं जिनको पता है कि उनको अपने आप को कैसे लेके चलना है, कितना लाइनर लगाना है, कितना आई शेडो लगाना है, काजल लगाना है कि नहीं, लिपस्टिक कौन सी वाली उनके पर सूट करती है, उनकी जो कॉन्टोर है नाक की वो कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें वो अच्छे से पहचानती हैं. आज एक बहुत ज़बरदस्त शो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि क्या जब आप खूबसूरती की अलामत पूछते हैं तो क्या होती है, लंबी गर्दन है ना, सुराहीदार गर्दन, ये जुल्फ़ें, काली घटाएं और जुल्फ़ें, वही जिक्र होता है, वही तस्बीह दी जा रही होती है, और बड़ी बड़ी आंखें या हिरन जैसी आंखें, खींची हुई आंखें. तो बड़ी आंखों का एक ये मयार जो खूबसूरती का है वो सब कॉन्टिनेंट में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ बड़ी बड़ी आंखें जो है वो बहुत मैटर करती हैं. आपकी रंगत, आपकी आपके नए नक्श जो है उनमें एक ये एसेट होता है अगर आपके पास बड़ी आंख, और ज़्यादातर होती है हमारी ख़वातीन की बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत जो बड़े बड़े डेले और आंखें, लेकिन जिनकी नहीं होती तो हमारा मेकअप ही पूरी दुनिया के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट है. हम उन आंखों को बड़ा बना लेते हैं काजल के जरिए, लाइनर के जरिए जो हम पहला मेकअप करते हैं, जिस तरह का काजल वगैरह लगा के आप देखिए वेस्ट में ऐसा नहीं होता और ना ही उनके पास सूट करता है. तो हमारे ऊपर जो मेकअप सूट करता है हमारे फीचर्स पे और हमारी छोटी अगर आंखें, उनको कैसे हम बड़ा कर सकते हैं, या आपको आज मुख्तलिफ चार लोग अपने अपने हैंड के अपने अपने एंड से अपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपसे शेयर करेंगे.